गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज माय सेवेंथ वीडियो ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंटीन्यूअस सीरीज थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पे ध्यान देंगे, इसका स्टेप डेविएशन मेथड। सो इसका फॉर्मूला क्या है पहले आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी ही बनता है, ठीक है, वो तो सामने आता है। तो इसका फॉर्मूला देख सकते हैं आप, ये है समेशन एफ डी डैश बाय एन इंटू आई, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा एम, क्योंकि बिना एम को तो काम होगा नहीं, और एम निकालने मैंने सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। दोनों को जोड़ना है, दो से डिवाइड करना, और क्या करना है, और तो कुछ करना नहीं है। डी का फॉर्मूला यहाँ पे एम माइनस ए हो जाएगा, और ए हम यहाँ से कोई भी रिज्यूम कर सकते हैं। फाइव माइनस फिफ्टीन डैश माइनस टेन, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, तो 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 25 माइनस 15 10 हो जाएगा, 35 माइनस 15 20 हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और डी डैश निकालना पड़ेगा, जिसका डी बाय सी फॉर्मूला होता है ना, तो डी बाय सी फॉर्मूला होता है ना, चलिए को बताते हैं। हाँ, तो डी बाई सी हो गया, तो सी मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा टेबल है जो सबको डिवाइड कर दे, तो मुझे 10 ही दिखाई दे रहा है, तो सबको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 यही हो जाएगा, और क्या आएगा। फिर डी डैश को एफ से इंटू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है एफ से इंटू होगा, तो ये एफ डी डैश हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 2, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ सब प्लस में आया 7, माइनस में आया 2, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, जो कि मेरा एफ डी डैश निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप एफ डी डैश का फॉर्मूला साबित साथ में 2 5 आ जाएगा, है ना, 5 आएगा, नहीं सॉरी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 7 और माइनस 2 गलती कर रहे थे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा माइनस 2, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा 4, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हमारा एफ डी निकल गया, हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जैसे कि ए हमारा 15 है ना, एफ डी डैश हमारा 5 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 10 ही है, और क्या है, 10 ही है, जिसको समझने आप बोल देंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 10 मैंने लिख दिया, और आई हमारा 10 है, आई कितना है 10, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो कट गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 30 हो जाएगा, 30 नहीं 20 हो जाएगा, 20 मार्क्स का 15 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारा कंटीन्यूअस का स्टेप डेविएशन मेथड था, ठीक ना, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो देखा जाए टोटल 9 जो फॉर्मूला था, सभी डिस्कस किया मैंने, सभी फॉर्मूला को बनाया है। आइसोलेटेड में बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ के रूप में दूंगा, जिसको आपको बनाना है, और उसमें मेथड लिखा रहेगा, और कभी भी याद रखिएगा किसी क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं लिखा रहता है तो आप उसे हमेशा डायरेक्ट मेथड से बनाएं। मतलब डायरेक्ट मेथड क्या, जो पहला मेथड था अर्थमेटिक मीन का, समेशन एफ एक्स बाय एन, उस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस कंप्लीट करने से पहले, इसको खत्म करने से पहले वीडियो को कुछ होमवर्क देते हैं, इससे रिलेटेड जो कंटीन्यूअस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप मेथड में अभी तक फॉर्मूला होमवर्क नहीं दिया है, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक ना। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स में आप देख सकते हैं, एक्स मानते हैं मार्क्स को, पर यहाँ एक्स तो है नहीं, अब मार्क्स आपका 0 to 10 मान लीजिए, या 0 to 5 मान लीजिए, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और यहाँ 20 to 25 भी दे दीजिए, ठीक है, आप इसको निकाल लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे है आपका 1 2 2 3, 1 2 2 3, और प्लस 1, तो इधर हो गया आपका, चलिए इसको 2 मान लीजिए, सब मिलाकर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, जिसको आपको बनाना है किस मेथड से, तो कंटीन्यूअस सीरीज है ये, क्योंकि ये क्लास में है, और आपको इसको डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप तीनों से बनाना है, ठीक ना। और ये पूरी की पूरी तरह से जो टॉपिक है जो अर्थमेटिक मीन का, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि आपको सिर्फ ये बेसिक नॉलेज मैंने दिया है थ्रू दिस वीडियो, जिसमें आपको मैंने सिखाया है अर्थमेटिक मीन निकालना, पर जब आप क्वेश्चन बनाया होगे तो आपको बहुत सारा डिफिकल्टी आएगा, और उस क्वेश्चन को भी मैं और भी वीडियो में डिस्कस करूंगा बिल्कुल, और मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप उसे भी बनाएं, और सभी पीडीएफ को या सभी वीडियो का जो क्वेश्चन है उसे आप फेयर जरूर करें, और अपने कॉपी में अच्छे से बनाएं, और पीडीएफ को भी क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, तब
तब जाके आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड दिस चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि हम लोग वेटेड के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक मीन के बारे में ही डिस्कस किए, और सिंपल अर्थमेटिक मीन में अभी बहुत सारा और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।